Very good morning, my dear students. I am Ruhi ma'am. Today we read chapter 3 in computer. Chapter 3 में स्टेकेटर चार्ट तक पढ़ चुके हैं. आज स्टॉक चार्ट फिर स्टार्ट करेंगे. सो लिसन केयरफुली. इन स्टॉक चार्ट डाटा ऑर्गेनाइज इन अ वर्कशीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्टॉक चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा ऑर्गेनाइज करना वर्कशीट में. डाटा डेट इज अरेंज्ड इन कॉलम्स और रोज इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर ऑन ए वर्कशीट कैन बी प्लॉटेड इन ए स्टॉक चार्ट. डाटा अरेंज्ड रहता है कॉलम्स और रोज में वर्कशीट पर प्लॉटेड कर सकते हैं स्टॉक चार्ट में. दे हैव द फॉलोइंग चार्ट सब टाइप्स. स्टॉक चार्ट पर क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारा चार्ट आपको ऑप्शन में आएगा जिसे कहते हैं चार्ट सब टाइप्स. उनके नाम यहाँ दिए गए हैं. हाई लो क्लोज ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम हाई लो क्लोज वॉल्यूम ओपन हाई लो क्लोज. इनमें से किसी एक पर आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ इस तरीके से स्टॉक चार्ट डिस्प्ले हो जाएगा. सर्वे चार्ट. सर्वे चार्ट इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू फाइंड द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बिटवीन टू सेट्स ऑफ डाटा. सर्फेस चार्ट का यूज़ करते हैं डाटा के टू सेट के बीच की कॉम्बिनेशन फाइंड करने के लिए. ए टोपोग्राफिक मैप कलर्स एंड पैटर्न्स इंडिकेट आर डैट आर इन द सेम रेंज ऑफ वैल्यूज. टोपोग्राफिक मैप कलर्स और पैटर्न इंडिकेट करता है उस एरिया को जहाँ वैल्यू की रेंज सेम होती है. सरफेस चार्ट्स हैव द फॉलोइंग चार्ट सब टाइप्स. सरफेस चार्ट पे क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारा चार्ट ऑप्शन आएगा. उस चार्ट ऑप्शंस के नाम यहाँ दिए गए हैं. 3D सरफेस वायर फ्रेम 3D सरफेस कंटार एंड वायर फ्रेम कंटार. इनमें से किसी एक पर आप क्लिक कीजिएगा और इस तरह से सरफेस चार्ट डिस्प्ले होगा. यहाँ डाटा टू सेट दिया गया है. डाटा का टू सेट डाटा के फ्रंट में कलर दी गई है. ये कलर यहाँ शो कर रहा है सरफेस चार्ट में. बता रहा है कि किस स्टूडेंट का कितना मार्क्स आया है इंग्लिश में. इस तरह से हम सरफेस चार्ट का यूज़ करेंगे. डेफिनेट चार्ट. दिस टाइप ऑफ चार्ट डिस्प्लेज डाटा रिंग्स वेयर ईच रिंग रिप्रेजेंट ए डाटा सीरीज. इस टाइप के चार्ट डिस्प्ले करते हैं डाटा रिंग्स. रिंग्स में डाटा को वेयर ईच रिंग रिप्रेजेंट ए डाटा सीरीज. एक डाटा सीरीज में रिप्रेजेंट रहता है. द सब टाइप में बी एन एक्सप्लोडेड डफ नट. एक्सप्लोडेड डफ नट इस चार्ट का सब टाइप है. एक डाटा सीरीज रिप्रेजेंट रहता है इसमें. यहाँ स्टूडेंट और उनके मार्क्स दिए गए हैं. उनके आगे कलर भी दिए गए हैं. ये कलर यहाँ शो कर रहा है. ये कलर यहाँ ये कंपेयर करता है किस स्टूडेंट का कितना मार्क्स आया है इंग्लिश में. इस तरह से हम डफ नट चार्ट का यूज़ करते हैं. बबल चार्ट. ए बबल चार्ट इज अ टाइप ऑफ एक्स बाय स्केटर चार्ट. बबल चार्ट स्केटर चार्ट के जैसा ही होता है. इट कंपेयर्स सेट्स ऑफ थ्री वैल्यूज़. ये कंपेयर करता है थ्री वैल्यूज से एंड कैन बी डिस्प्लेड विद ए 3D विजुअल इफेक्ट. और डिस्प्ले करता है 3D विजुअल इफेक्ट के साथ. द साइज ऑफ द बबल डाटा मार्कर इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ ए थर्ड वेरिएबल. साइज ऑफ द बबल डाटा मार्कर ये इंडिकेट करते हैं वैल्यू के थर्ड वेरिएबल में. और इस तरह से बबल चार्ट डिस्प्ले हो जाएगा. आज हम लोग चार्ट के बारे में कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं. क्रिएटिंग चार्ट्स. द डाटा इन रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए वर्कशीट कैन बी यूज्ड इजीली फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ट्स इन एक्सेल. यू कैन क्रिएट चार्ट्स एट टू डिफरेंट प्लेसेस. रोज और कॉलम में डाटा का वर्कशीट पर यूज़ करके इजीली हम क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट काइंड्स के चार्ट एक्सेल में. यू कैन क्रिएट चार्ट्स एट टू डिफरेंट प्लेसेस. चार्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं टू डिफरेंट प्लेसेस में. फर्स्ट इन द करंट वर्कशीट में. सेकंड एज एन ऑब्जेक्ट इन ए सेपरेट वर्कशीट ऑफ द करंट वर्कबुक.
करेंट वर्कबुक पर सेपरेट वर्कशीट में। लेट अस लर्न हाउ टू क्रिएट ए चार्ट ऑन द वर्कशीट विद द फॉलोइंग डाटा। आइए पढ़ते हैं कैसे चार्ट क्रिएट करेंगे वर्कशीट पर। देर आर टू वेज टू क्रिएट चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। टू वेज हैं चार्ट क्रिएट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 2010। देर आर टू वेज। मेथड वन, एक्सेल कैन फिगर आउट एन एप्रोप्राइट चार्ट फॉर यू ऑन इट्स ओन। सेलेक्ट द सेल्स एंड प्रेस द F11 की। एक्सेल ऑटोमेटिकली क्रिएट्स ए चार्ट फॉर यू एंड ए न्यू चार्ट टैब अपीयर्स अलोंग विद द सीट टैब्स। दिस इज द शॉर्टेस्ट एंड ईजिएस्ट वे ऑफ क्रिएटिंग ए चार्ट। एक्सेल में फिगर यहाँ नीचे दिया गया है। सेल सिलेक्ट कीजिए, F11 की प्रेस कर दीजिए, एक्सेल ऑटोमेटिकली चार्ट क्रिएट कर देगा और नया चार्ट टैब भी अपेयर हो जाएगा। ये सबसे शॉर्ट और इजी वे था चार्ट क्रिएट करने के लिए। मेथड टू, ये मेथड वन था, अब मेथड टू हम लोग पढ़ेंगे। टू क्रिएट ए चार्ट ऑफ योर चॉइस फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप वन, सेलेक्ट द सेल्स विद इन द टेबल। स्टेप टू, क्लिक द इंसर्ट टैब ऑन द रिबन। स्टेप थ्री, सेलेक्ट द टाइप ऑफ चार्ट यू वांट फ्रॉम द चार्ट्स ग्रुप। हेयर द सिलेक्ट वी सिलेक्टिंग कॉलम चार्ट। स्टेप फोर, नाउ सेलेक्ट द चार्ट सब टाइप फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। दिस क्रिएट्स द डिजायर्ड चार्ट फॉर यू ऑन द करेंट वर्कशीट। यहाँ स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप वन में सेल सिलेक्ट करना है। स्टेप टू में रिबन में से इंसर्ट टैब पर क्लिक कीजिए। स्टेप थ्री है टाइप ऑफ चार्ट क्लिक कीजिए चार्ट ग्रुप से और कॉलम चार्ट सिलेक्ट कीजिए। स्टेप फोर सिलेक्ट करना है चार्ट सब टाइप। कॉलम चार्ट में दिया रहेगा बहुत सारा ऑप्शन, उसमें से किसी एक पर क्लिक कीजिए और आपका करंट वर्कशीट पर चार्ट अपेयर हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।